नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम समाचार की इस वीडियो में। अगर आप भी अपने राज्य, जिले या गांव के मौसम का ताज़ा हाल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने एरिया का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। वहीं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर तेज बारिश संभव है। इसके अलावा केरल, आंध्रीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों और दिल्ली NCR में हल्की बारिश के साथ एक या दो मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, शेष पूर्वोत्तर भारत, मराठवाड़ा और राजस्थान और गुजरात में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि संभव है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। कल UP समेत देश के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी UP समेत कई इलाकों में मौसम का मिजाज खराब रहेगा। कई प्रदेशों में आज तेज आंधी के साथ बारिश होने की आशंका है। इस दौरान कई इलाकों में ओलावृष्टि होने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली NCR में कल जोरदार बारिश के बाद आज भी आंधी के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के बाद देश के कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज तापमान में और गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग की ओर से आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कई जगहों पर भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में बिजली गिरने और तूफान के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली और तेज हवा के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में तेज आंधी और मराठवाड़ा में बिजली गिरने के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। खराब मौसम की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और मराठवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देश के कई अन्य इलाकों में भी आज बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग के मुताबिक उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, दक्षिणी आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, चेरी, कराईकल, केरल और माहे के कई इलाकों में आज बारिश होगी। कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की भी चेतावनी दी गई है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, आंध्रीय कर्नाटक और तमिलनाडु में भी आंधी के साथ बारिश होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के कई इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में आए बदलाव के कारण आज राज्य के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक आंधी बारिश की गतिविधियां बने रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। जयपुर स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले एक हफ्ते तक राज्य का मौसम बदले रहने की संभावना है। इस दौरान आंधी के साथ बारिश होने की आशंका है। तो दोस्तों, आज के मौसम समाचार में बस इतना ही। ऐसे ही ताज़ा और सटीक मौसम समाचार अपने मोबाइल पर फ्री में पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बगल में घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इन खबरों के बारे में सबको पता चल सके। धन्यवाद।